हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आज मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीप्लाई आई विल बी योर फैक्टर। ओके बच्चों, देखो हमें फैक्टर के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंड द फैक्टर एंड मल्टीप्लाई एंड फाइंड अ डिफरेंट बिटवीन देम। ओके, इस चैप्टर में हमें फैक्टर के बारे में पढ़ना है, मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ना है और उनके बीच की डिफरेंस हमें समझनी है। चलो यहाँ पर एक द माउस एंड द कैट। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू द कैच कुंजन द माउस। कुंजन इज नाउ वन ऑफ द 14 स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 स्टेप एट अ टाइम। द कैट इज ऑन द थर्ड स्टेप, सी कैन जम्प 3rd September at a time. If the mouse reach the 28 is can hide in the hall. Find out the whether of the mouse can get away safely. The step on the which the mouse jump. Okay, यहाँ पर देखो step given है। okay, ये mouse है, ये gate है जो 2 step एट द टाइम। ओके, 2 स्टेप जंप करें एट अ टाइम। ओके, और यहाँ पर जो रेट होगा, ओके ये रहा रेट। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप ऑन द विच द माउस जंप। अभी माउस कहाँ से जंप करना है, देखो ये 40 से। ओके, तो 14 फिर नेक्स्ट 16 फिर नेक्स्ट 18, 20, 22 एंड 24। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। ओके, नेक्स्ट द स्टेप ऑन द विच द केट जंप। अभी केट कहाँ से जंप करें, तो स्टेप 3 से, 3, 6, 9 और नेक्स्ट 15, 9, 12, 15, ओके, और 18, 21 और 24 और 27। क्यों? क्योंकि तीन स्टेप करी। ओके चलो, यहाँ से हम राइट करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। ओके, द स्टेप ऑन द विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अभी दोनों 18, देखो ये 80 पे और एक 24 पे। ओके, तो यहाँ पर 18 और 24, देखो यहाँ पर ये 24 और 18। ओके, दो स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर एक साथ वो लोग जंप करेंगे। ओके, कैन द माउस गेट अवे। तो कैन द माउस गेट अवे, तो यस द माउस कैन गेट अवे बिकॉज बोथ द कैट एंड द माउस जंप ओनली द 18 एंड 24 रिस्पेक्टली। ओके, सो व्हेन द माउस रीच ऑन स्टेप 18 बाय इट्स थर्ड जंप कैट रीच ऑन द स्टेप 9। व्हेन द माउस रीच ऑन द स्टेप 24, ओके 24, तो एक फिक्स जंप द कैट रीचेस द स्टेप नंबर 18। ओके, जब यहाँ पर 24 पे जब माउस जंप करता है तो कैट कहाँ पहुँचती है, ओनली फॉर 18 पे। ओके, सो द माउस विल रीच द स्टेप 28, एट जंप विल बी हाइड इन द हॉल, सो वी गेट अवे सेफली। ओके, देखो यहाँ पर ऊपर से यहाँ से जंप करेगी। देखो हंग्री क्रेट ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। कुंजन माउस को अभी हंग्री क्रेट है जो पकड़ने की कोशिश करी। एंड कुंजन इज नाउ 14, ये कुंजन है जो 40 स्टेप पे है। ओके, और इट कैन जंप 2 स्टेप, अभी ये 2 स्टेप जंप कर रहा है। ओके, देखो 24 है फिर यहाँ पर जंप करेगा। ओके, फिर ये यहाँ पर, ओके देखो यहाँ पर हमने लिखा, फिर वो यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा। ओके, फिर 22 पे, ओके फिर 24 पे और 26 के बाद वो
8 पेज हम करेंगे, ओके 28 पर, ओके। बट अभी द केट इज ऑन द थर्ड स्टेप, ओके थर्ड स्टेप पे है। केट कहाँ पर है? थर्ड स्टेप पे। इफ द माउस रीच 28, इट कैन हाइड द होल। फाइंड आउट द वेदर ऑफ द माउस केट गेट सेफली, ओके। माउस को अभी सेफली रहना है, ओके। तो थ्री स्टेप, ओके, जंप थ्री स्टेप। तो थ्री से वो सिक्स नंबर के डायरेक्ट, थ्री से 1 2 3, थ्री स्टेप तो सिक्स नंबर पे आएगी, फिर 9 पे आएगी, ओके ना। नेक्स्ट 12 पे आएगी, नेक्स्ट वो 15 पे जंप करेगी, फिर वो 18 पे जंप करेगी डायरेक्ट, फिर 21 पे जंप करेगी, और थ्री स्टेप के बाद वो 24 पे करेगी, और 24 में से वो फिर 27 पे, ओके। तो नाउ इस तरह से वो जंप करेगी किट। नेक्स्ट समझ में बच्चों? तो ये आपको आंसर लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में, और नोटबुक में भी राइट करना है। इफ द किट स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ स्टेप एंड जंप 5 स्टेप एट द टाइम, एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम 8 स्टेप एंड जंप 4 स्टेप एट द कैन द माउस गेट अवे। अभी यहाँ पर देखो माउस की बात करें, ओके चलो माउस की देखो। यहाँ पर अभी स्टार्ट 5 स्टेप से स्टार्ट करना है, ओके। तो 5 स्टेप पे है केट, ओके। तो फिर वो 5 स्टेप 10, ओके 10 पे आएगी, 5 6 7 8 9 और 10, ओके 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टेप जब लगाएगी तो सेकंड टाइम 10 पे आएगी, फिर 50 पे आएगी नेक्स्ट, और फिर 20 पे आएगी, ओके, और फिर 25 पे वो जंप लगाएगी, ओके। केट है जो फर्स्ट स्टेप में वो फर्स्ट जंप लगाएगी तब 10 पे आएगी, सेकंड जंप में 50 पे, फिर 20 पे और 25 पे, ओके। फिर नाउ नेक्स्ट द स्टेप ऑन द बीच ऑफ द माउस जंप। अभी यहाँ पर माउस, ओके माउस माउस स्टार्ट 8 स्टेप से, ओके माउस 8 स्टार्ट और 4 स्टेप से, ओके देखो 8 स्टेप से स्टार्ट करें और जंप 4 स्टेप, ओके। तो ये 8 में 5 6 7 8, यहाँ पर होगा 8, ओके फिर वो 4 स्टेप लगाएगी, ओके। तो यहाँ पर 12 पे होगा माउस, कहाँ पर होगा 12 पे, फिर और 4 स्टेप मतलब कि 12 में 4, तो 4 तो यहाँ पर 60 पे होगा, ओके माउस यहाँ पर 60 पे, ओके। फिर और 4 स्टेप लगाएगा तो वो 20 पे आके गिरेगा, ओके समझ में आया? 20 पे आए पहुँच जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप लगाए तो 24 पे, समझ में आया? तो आपको बच्चों देखो 5 की टेबल आती है, 4 की टेबल आती है, तो देखो यहाँ पर 5 की टेबल लिखते हैं, 5 2 20 5 4 20 5 5 20 5 6 35 5 7 35 5 8 14 और 5 9 14 5 10 50, ओके। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप केट ने लगाई तो 5 पे था, 5 पे थी, फिर 10 15 20 और 25, ओके इस तरह से 4 जब रेट है चूहा है माउस जो 4 स्टेप पे था, ओके तो 8 स्टेप पे था, तो 8 फिर 12 16 20 और 24, मतलब कि आप बोल सकते हो बच्चों आंसर क्या बोल सकते हो के स्टेप ऑन द विच केट जंप, आप लिख सकते हो कि द केट केट जंप 5 नंबर के स्टेप पे 10 15 20 और 25, ओके। फिर आप माउस की जंप लिख सकते हो, माउस जंप
8, 12, 16, 20 और 24, ओके. और बोथ द कैट एंड माउस विल रीच ऑन द स्टेप टू 20 टुगेदर बाय फोर्थ स्टेप. सो द माउस कैट गेट अवे, मतलब कि अभी 20 नंबर के स्टेप पे कैट एंड माउस दोनों एक साथ मिल रहे हैं, ओके, व्हील पहुंच रहे हैं, ओके. तो आप लिख सकते हैं बोथ द कैट एंड द माउस विल रीच ऑन द स्टेप 20 together by fourth step. So the mouse can't get away, okay. Children, now next page. Who is Monto waiting for? अभी Monto कहाँ पर waiting कर रहा है, okay? The answer the following question from the given pictures. Monto cat is waiting for somebody. Do you know for whom he is waiting? There is a trick to find out. अभी यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, okay? 4 पे D लिखा है, okay? 5, 6, 7, X, okay? 8 लिखा है, X पे 9, 10 और 11. तो यहाँ पर चलो हम यहाँ पर किस तरह से है, देखो यहाँ पर A B C D, फिर E F G, तो यहाँ पर मतलब बच्चों देखो हमें यहाँ पर ये नहीं राइट करना है, ओके. फर्स्ट हम पूरा देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें. मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड टू, ओके. रेड डॉट है, देखो यहाँ पर टू है, टू, ओके, फोर, सिक्स, ओके, एट, टेन, फिर 12, 14, 16, 18, ओके, और फिर 20. जो मैं नंबर बोल रही हूँ वो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके. देखो इजीली चलिए यहाँ पर इसमें देखना है, ओके, 2, ओके. तो आप लिख सकते हो, मैंने अभी बोला ना, तो मार्क, देखो ये क्वेश्चन, मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर विच कैन बी डिवाइड टू, ओके. आपको मार्क करना है, जो मैं नंबर बोलूँगी उस पर रेड डॉट से मार्क करना है, ओके. तो द नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय द नंबर विच कैन बी divided by 2 r as follows: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 34, sorry, 14, 42, 44, 46, 48, 15, 52, 54, 56, 58 और 16. ये सारे नंबर हैं जो आपको यहाँ पर रेड मार्क करनी है, ओके. और ये सारे नंबर 2 से हम डिवाइड
कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो रेड मार्क करना है। वो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 14, 42, 44, 46, 48, 15, 52, 54, 56, 58 or 60. ओके, नाउ नेक्स्ट मार्क येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइड 3 एंड द ब्लू डॉट नंबर की विच कैन डिवाइडेड 4। अभी 3 से डिवाइड हो ऐसे नंबर पर हमें मार्क करना है येलो से। ओके, चलो 3 से डिवाइड हो ऐसे नंबर हमें मार्क करना है। चलो तो आप भी येलो कलर ले लो आपके वैसे। चलो यहाँ पर 3, ओके 1, 3, 6 ये भी कर सकते हो। ओके, येलो से फिर 9, फिर यहाँ पर 12 ये भी हम मार्क कर सकते हो। ओके, फिर 15, ओके 18, ओके फिर नेक्स्ट 21, ओके 3 से 24, ओके 3 की टेबल आती है ना आपको, 24, फिर 27, 29, ओके फिर 29, फिर नेक्स्ट 13, ओके 13, ओके 13 के बाद में 33, ओके 33, 36, 39, ओके 39, फिर 42, फिर नेक्स्ट 45, 48 और यहाँ पर 51, 54 और 57 और ये 60। चलो मैंने जिसको येलो से मार किया ना उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते। ओके, किस से? 3 से। चलो अभी ब्लू डॉट द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड 4। 4 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसा नंबर हमें। चलो 4 से कर सकते हो ऐसा नंबर 1 का 4। ओके, 4 से स्टार्ट करना है। 4 1 4, 4 2 8, फिर 12, ओके फिर 16, 20, 24, 28, ओके 32, 36, 40, 44, 48 और फिर 52, 56 और 60। जितने मैंने ब्लू से मार्क किया ना वो नंबर हम 4 से डिवाइड कर सकते। विच आर द बॉक्स विच हैव डॉट ऑल द कलर्स 3 कलर्स। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 कलर्स में आए, तो वो नंबर है देखो 12, 24, 36, 48 और 60। देख लेना आप, देखो ये 60 में 3 कलर एक तरह। ओके, आए ना, तो फिर यहाँ पर ओके 12 में देखो यहाँ पर मैंने तीनों कलर रेड भी कर लिया है, ये राइट और ये, ओके 3 कलर से। फिर 44 नंबर भी ऐसा है, 24 नंबर भी ऐसा है कि जिसमें तीनों कलर मार्क आए। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसका ये आंसर। ओके, फिर व्हाट आर द लेटर ऑन द टॉप दोस बॉक्स। ओके, द लेटर्स ऑन द टॉप बॉक्स ऑफ MOUS। ओके, एम, चलो एम क्या बनेगा, MOUSE कौन सा लेटर बना, MOUSE। ओके,
राइट द माउस लेटर बिलो द ऑर्डर, ओके। लेटर को इस ऑर्डर में यहाँ पर राइट करना है, MOUSE, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट गेम प्ले करना है, ओके। यहाँ पर देखो मियाओ गेम, ओके, मियाओ वाली गेम प्ले करना है, ओके। द प्ले दिस गेम, एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल, वन प्लेयर कॉल आउट वन, द नेक्स्ट प्लेयर से टू एंड सो ऑन। प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट थ्री और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री हैज टू से मियाओ इंस्टेड ऑफ द नंबर्स एंड वन हो Who forget to say meow is out of the game. The last player left is the winner. Okay? देखो यहाँ पर सर्कल में आपको खड़े रहना है, ओके। अगर क्लास शुरू होती ऑफलाइन तो मैं ये गेम जरूर से प्ले करवाती, ओके। तो आपको चलो थ्री की मल्टी डिवाइडेड नंबर हमें लिखना है, तो चलो आप भी लिखो 3, 6, 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, 13, ओके, सो ऑन। आगे ऐसे हम 3 से मल्टीप्लाई, ओके। वी से दिस नंबर आर द मल्टीप्लाइज ऑफ 3, प्ले द गेम चार्जिंग द नंबर ऑफ 2, 4, नाउ विच कम डिड यू रिप्लेस द मियाओ, दिस नंबर आर द मल्टीप्लाई ऑफ 4, अभी 4 के मल्टीप्लाई नंबर, ओके, 4 के मल्टीप्लाई नंबर, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर राइट करती हूँ कि 4 के नंबर, ये 3 के 40 मल्टीप्लाई नंबर थी, ओके, अभी हम 4 के लिखेंगे, ओके। तो चलो 4, 8, 12, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ओके, ये 4 के मल्टीप्लाई नंबर है, ओके, 4 के मल्टीप्लाई नंबर। फिर राइट एनी 10 मल्टीप्लाइज ऑफ 5, चलो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखना हो तो आपको टेबल आनी चाहिए, ओके। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने टेबल राइट कर दिया है, ओके। तो 3 के मल्टीप्लाई ये है ना नंबर, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 13, ये 3 के मल्टीप्लाई नंबर है, ओके। फिर 4 के मल्टीप्लाई नंबर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ओके, ये 4 के मल्टीप्लाई, ओके। और 5 के मल्टीप्लाई 5, 10, 15, 20, 25, 13, 35, 14, 45 और 50, ओके। तो यहाँ पर ये 3 के मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई और ये सारे 5 के मल्टीप्लाई, समझ में आया बच्चों? तो आपको ये मल्टीप्लाई, आई होप आप ये मल्टीप्लाई समझ गए होंगे, ओके। नाउ चलो नेक्स्ट डाइस गेम, थ्रू द टू डाइस टूगेदर वॉट आर द नंबर्स दैट टर्न ऑन द फेस ऑफ द डाइस, मेक अ टू डिजिट नंबर यूजिंग देम, इफ इट इज अ मल्टीप्लाई ऑफ एनी ऑफ नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू लेट सर्कल, यू कैन राइट इट इन द सर्कल, देन इट इज योर फ्रेंड टर्न ऑन द वन हु कैन राइट द मोर नंबर्स 10 राउंड इन द विनर। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गेम प्ले करना है, जो सर्कल गेम प्ले करना है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई राइट करना है, ओके, 6 के मल्टीप्लाई राइट करना है, 6 और 4 के यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर 5 के और 7 के, ओके। आई हैव अ 3 एंड 2 ऑन माय डाइस, इफ द मेक 23, इट इज नॉट अ मल्टीप्लाई ऑफ एनी ऑफ द नंबर, सो इट विल मेक अ 32 विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 4 एंड राइट इन द रेड सर्कल। अभी 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो चलो गेम खेलना है, ओके। तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई में पहले आप 12, 16, 24, ओके, 32, 36, ओके,
फिर 44, 52, फिर 56, 64, ओके ये सारे 4 से डिवाइड हो सकते हैं ओके। फिर यहाँ पर 6, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, फिर 6 फोर ज़ा 36, यहाँ पर 6 फोर ज़ा 24, यहाँ पर 6 थ्री ज़ा 36, 42 और फिर 54 और 16, इस तरह से ये हुए 6 से मल्टीप्लाई और ये 4 के। तो चलो अभी 5 के लिख देते ओके, 15 ओके, 25, 35 ओके, 45, 55 और 65 ओके। ऐसे ही मैंने रैंडमली नंबर लिखे ओके बच्चों, यहाँ पर 7, 14, 21, 35, 42, 56 और 63 ओके। टू डिजिट नंबर यूजिंग देम एंड इट मल्टीप्लाई एनी नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू सर्कल यू कैन। चलो अभी कॉमन मल्टीप्लाई, अभी हम कॉमन मल्टीप्लाई की बात करें ओके। हमने देखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब कि टेबल ओके, ऐसे शॉर्ट में समझ लें। बट अभी कॉमन मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस कॉमन मल्टीप्लाई? तो दिस थिंक ऑफ द नंबर इफ इट इज मल्टीप्लाई ऑफ 3 राइट इन द रेड सर्कल, इट्स मल्टीप्लाई ऑफ द 5 राइट इन द ब्लू सर्कल। चलो 3 के मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, 5 के मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे ओके हम। तो चलो यहाँ पर देखो, मैं 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 नाइन ज़ा 4 ओके, सॉरी बच्चों यहाँ पर 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9। चलो यहाँ पर मैं भी लिखती हूँ ओके, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15 ओके। तो ये 15 है जो इस टेबल में भी आता है ओके, 3 फोर ज़ा 12 और 3 फाइव ज़ा 15 ओके। तो ये 15 इसमें भी आता है, यहाँ पर भी आता है, तो ये हुई कॉमन मल्टीप्लाई। क्या कौन से हुई कॉमन? अगर मैं यहाँ पर पूरे लिख दूँ, चलो 12, 15, फिर 3 सिक्स ज़ा 18, 3 सेवन ज़ा 21, 24 और 27, 3 नाइन ज़ा 27 और 13। चलो यहाँ पर 30 तक लिखती हूँ ओके। फिर आगे बढ़ना है तो 11 थ्री ज़ा ओके, 11 थ्री ज़ा 33, ये भी 3 की मल्टीप्लाई होगी ओके। 12 थ्री ज़ा 36, ये भी क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई होगी ओके। फिर 13 थ्री ज़ा 39 ओके, ये भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। फिर 14 थ्री ज़ा ओके, 50, चलो इतने तक मैं राइट करती हूँ। चलो यहाँ पर हम राइट करेंगे ओके, 3 6 9 12 15 18 21 24 27, 27 के बाद हम 33 ले राइट करेंगे, 36 ओके, फिर 39 ओके, फिर 42, 48, 51 और 54, ये सारे 3 के मल्टीप्लाई होंगे ओके। चलो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 14, 40, 14, 45, 15 और 55। चलो ये 55 तक राइट करते हैं ओके। चलो अभी यहाँ पर देखो 50, 50, फिर यहाँ पर ये 30, 30, 30 ओके, फिर यहाँ पर 45 चलिए यहाँ पर 45 लिखना भूल गए हम, तो ये 45 ओके और ये 45, तो ये दोनों में है देखो, 3 के मल्टीप्लाई में भी है और इसमें भी है ओके, 5 के मल्टीप्लाई में। तो ये नंबर हुए कॉमन, तो इसे हम यहाँ पर राइट कर देंगे ओके। ये नंबर क्या हुए, 3 और 5 में से कॉमन मल्टीप्लाई हुए, कौन से नंबर हुए कॉमन मल्टीप्लाई ओके। समझ में आया, सम नंबर आर द मल्टीप्लाइज अबाउ बोथ 3 एंड 5, सो वी कैन से द कॉमन टू बोथ एंड 3 एंड 5।
चलो कॉमन नंबर मतलब कि दोनों में है सेम नंबर, तो वो हम उसे हम कॉमन नंबर बोल सकते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट अमोंग दिस कॉमन मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पर 3 और 5 है कॉमन मल्टीप्लाई लिखा हमने, तो सबसे छोटा मल्टीप्लाई कौन सा है, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा है 15। ओके तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई अमोंग द कॉमन मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 इज 15। ओके तो 15 सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई है 3 और 5 के बीच वाले। ओके तो रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7। चलो 2 and 7 से यही नंबर हम रिपीट करने वाले। ओके तो ये इसके लिए हमें नोटबुक लेनी पड़ेगी। चलो राइट अ कॉमन मल्टीप्लाई 2 and 7, तो फिर 2 and 7 की हम कॉमन मल्टीप्लाई राइट करेंगे। ओके तो पहले हम 2 and 7, चलो ये मैंने 2 सर्कल बना देना है यहाँ पर आपको 1। ओके ये 1 और यहाँ पर सेकेंड सर्कल। ओके यहाँ पर 2 का राइट करना है हमें मल्टीप्लाई, और इसमें 7 की मल्टीप्लाई राइट करना है। चलो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 12, फिर 12, अभी आप 2-2 ऐड करते जाएंगे तो भी 2 के मल्टीप्लाई मिलते जाएंगे। ओके 14 16 18, 20 22 24 26, 28, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 44, ओके चलिए इतना तक रखते हैं। ओके आगे यहाँ पर 7 के राइट करते हैं 7 7 2 14, 21 21, 28 35। ओके चलो इतना तक यहाँ पर 42। ओके यहाँ तक इतना रखते। ओके तो चलो यहाँ पर कॉमन देखो, यहाँ पर कॉमन 40। ओके ये दोनों में कॉमन है तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, यहाँ से निकाल दूँ। ओके क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। ओके इसलिए बीच में इस साइड भी है दोनों के बीच में, मतलब कि कॉमन। फिर नेक्स्ट ऐसा नंबर है 28। ओके नेक्स्ट 28 तो यहाँ पर लिख दूँ, इसे यहाँ से मैं काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, यहाँ बीच में राइट कर दूँ, दोनों में है इसका मतलब कॉमन है ये। ओके और यहाँ पर एक 42 ओके 42 दोनों में कॉमन है। ओके चलो ऐसे आगे गेम बैठते हैं, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हो ऐसा नंबर है 14 28 और 42, तो ये आपको टेबल ये ऐसे सर्कल बनानी है और नॉट करना है। ओके नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखना है द राइट कॉमन मल्टीप्लाई 2 and 7, तो 2 and 7 की कॉमन मल्टीप्लाई कौन सी होगी, 7 are 14 28 42, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके नंबर चलो नाउ रिपीट द गेम पुटिंग द मल्टीप्लाई ऑफ द 4 6 and 5 द सर्कल, अभी 4 5 और 6 की करनी। चलो फिर 4 की लिख देती हूँ मैं, 4 8 60 28 32 44, ओके 52 और 56, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ चलो 5 10 15 25 35, ओके 45 और 15 और 55, यहाँ पर मैं लिखूँगी 6 18 42 54, ओके तो चलो इन दोनों के बीच वाले नंबर है ना मल्टीप्लाई नंबर, तो 12 24 36 और 48,
और ये तीनों में मल्टीप्लाई हो गया कॉमन नंबर, वो 60 नंबर ऐसा है कि तीनों में होगा। चलो अभी यहाँ पर ये दोनों देखिए, ये सर्कल और ये सर्कल, ओके, बट इस सर्कल में नहीं, सिक्स में नहीं, ऐसा कॉमन मल्टीप्लाई है इन दोनों का 20 और 40, ओके। और यहाँ पर इन दोनों में 6 और 5 नंबर के मल्टीप्लाई हुए, जो कॉमन है वो 30 30, ओके। तो यहाँ पर व्हाट द कॉमन मल्टीप्लाई इन 6, यू राइट द ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट में कौन सा नंबर लिखा है हमने, 30 13, ओके। फिर यहाँ पर व्हाट कॉमन द मल्टीप्लाई 4 and 6 रिटर्न इन द ऑरेंज पार्ट, ऑरेंज पार्ट में हमने देखो यहाँ पर 12 26 36 40, यहाँ पर लिखना है 12 24 36 और 38, इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट राइट द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 4 and 5, 4 and 5 के कॉमन मल्टीप्लाई हो वैसे ही हमें, आई रोट द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 4 and 5 इन द ग्रे कलर, ओके। ये ग्रे कलर में जो लिखा है तीनों का, तीनों नंबर के मल्टीप्लाई है जो 60 नंबर है, ओके। यहाँ पर लिखना है आंसर इन विच कलर, तो यहाँ पर ग्रे कलर लिख देना, ओके। चलो फिर पजल, सुनीता टूक सम द टर्मरिक, मतलब कि इम्प्लिसिट सी टैमरिंड इम्प्लिसिट, सी मेड ग्रुप ऑफ द 5 with him and found that one seat was left over. She tried making group of 6 and group of 4. Each time the seat was left over. What is the smallest number of seat that Sunita had? Okay. यहाँ पर Sunita had the minimum. कितने उसको seat चाहिए, तो Sunita इमली की सीट है, इसने फ्रॉम द डिफरेंट रेक्टेंगल ट्राई टू मेक द नॉट मोर रेक्टेंगल लाइक दिस यूजिंग द 12 टैमरिन राइट सीट्स, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक। अभी यहाँ पर मिनिमम उसको सुनीता को 61 सीट चाहिए, क्यों चाहिए तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, ओके। सीट क्यों के आप देखो यहाँ पर 16 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई 4 5 and 6, देखो हमने यहाँ पर देखा कि 16 है जो कॉमन मल्टीप्लाई है, ओके, कॉमन मल्टीप्लाई है 4 5 6 का, ओके, 16, तो बाय ग्रुपिंग द रिमाइनिंग सीट विल बी 1 मोर देन 6 है, 16 प्लस 1, ओके, 16 प्लस 1, ओके, अंडरस्टैंडिंग। नाउ यहाँ पर देखो एमिनी इज अरेंज 12 टर्मिनेट द सीट्स इन द फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंट रेक्टेंगल ट्राई टू मेक द मोर रेक्टेंगल लाइक दिस यूजिंग 12 टर्मिनेट सीट्स, ओके, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक, वी कैन मेक 6 डिफरेंट रेक्टेंगल विच आर द सो हियर। चलो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ओके। अभी यहाँ पर मैं रेक्टेंगल, हमें डिफरेंट रेक्टेंगल अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 12, ओके। फिर हम 2 मल्टीप्लाई 6, ओके, रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6,
36 मल्टीप्लाई 2, ओके। डायरेक्ट एंगल हमें 2 मल्टीप्लाई 6, इसे हम बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 12, ओके। फिर हम यहाँ पर 1 1 2 3 4, ओके, मैं 4 ले लेती हूँ, ओके। और यहाँ पर 3, थ्री मल्टीप्लाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 3, ओके। 4 मल्टीप्लाई 3 करना है, 1 2 1 2 3 4, चलो इस तरह से हमें रेक्टेंगल बनाना है, ओके। यहाँ पर चलो नाउ 1 2 3 4 5, और एक लास्ट बाकी रह गया जो हम 3 ले लेंगे, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। मल्टीप्लाई 5, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट, इन द ग्रेड ऑफ द रेक्टेंगल मेड द 20 बॉक्स इन द रो, द वाइड ऑफ द रेक्टेंगल 2 बॉक्सेस, व्हाट इज द लेंथ, ओके। चलो ये बॉक्स की हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो इट लेंथ इज द 10 बॉक्सेस, यहाँ पर लिख दो 10 बॉक्सेस, ओके। फिर नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कलर द रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे, मतलब कि ये 20 बॉक्सेस की अदर वे से हमें कलर करनी है, ओके। चलो हमने कलर किया ना अभी, ये कलर, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 10, इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। 5 मल्टीप्लाई 4, फिर नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 5, ओके। फिर नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 20, इस तरह से आप ये बॉक्सेस और फिल कर सकते हो, ओके, 20 बॉक्स यूज करके। चलो फिर व्हाट इज द लेंथ एंड द वाइड वेट ऑफ द रेक्टेंगल योर कलर, लेंथ और मैंने आपको बोला ना अभी, 2 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 20 होगी, ओके। द नाउ हाउ मेनी वे टू कैन कलर द रेक्टेंगल 20 बॉक्सेस, कलर देम इन द ऑल ग्रेड एंड राइट द लेंथ एंड वेट ईच रेक्टेंगल यू हैव द कलर, ओके। नाउ सेम द प्रीवियस आंसर, ओके, आगे वाला है ना वही यहाँ पर सेम आंसर रहेगा, ओके। चलो इस तरह से देखो, 20 ये हमने 6 वाला किया ना, इस तरह से 20 बॉक्स हो तो यहाँ पर और एक का हम बना देते हैं, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। ये चलो
एक्चुअली इस तरह से 20 बॉक्स यूज करके आपको ऐसे कलर फिल करना है. ओके, 4 × 5. ओके, इस तरह से 5 × 4 करके आप कर सकते हो, 2 × 10 करके कर सकते हो. ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं. द बैंगल, देर आर 80 बैंगल्स ऑन द रोड. मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम. सी कैन पुट देम ग्रुप 2, 3, 6, 9 and 80 विदाउट एनी बैंगल्स बींग लाइन. अभी बिना जो ग्रुप अपनी बैंगल है उसकी ग्रुप बना रही है, तो कोई भी एक बैंगल बच्ची बिना उसने ग्रुप बना दी. तो हाउ कैन ग्रुप विल ही सेव मेक द ग्रुप 1 बैंगल ईच. अभी यहाँ पर बिना जो बैंगल की ग्रुप बना रही है. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखो बॉक्स. ओके, उसके पास नंबर ऑफ बैंगल 18 है, तो वो ग्रुप बना रही है 1, 2, 3, 6, 9, 80 का. ओके, तो 24 की ग्रुप कैसे बनेगी, चलो ये किस तरह से ग्रुप बनानी है, चलो आपको मैं बोलती हूँ. यहाँ पर एक दिखा दी. ओके, 24 है जो किसके टेबल में आती है, तो 24 1 24, फिर 2 से करेंगे तो 12 2 24, 3 से करेंगे तो 8 3 24, 4 से करेंगे तो 6 4 24, आपको टेबल आनी चाहिए. ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 12 2 आ गया. ओके, ये मतलब कि देखो यहाँ पर 1, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 6. ओके, फिर 88 और यहाँ पर 12 और 24. ओके, 12 और 24. अभी यहाँ पर 5. ओके, 5 कौन से टेबल में आता है, तो आपको मालूम है 5 की बात करें तो 5 = 1 5 1 5. ओके, तो इस और कोई ऐसा टेबल नहीं कि आता है 1 एंड यहाँ पर 5. ओके, अंडरस्टैंड. फिर 9 का सोचो आप. 9 = 1 9 1 3 3 9 3. ओके, तो 1 3 और 9 1 3 और 9, ऐसे ही 7 1 7 1 and 7. अभी 2 2 1 2 1 and 2. अभी 10 का करना है, कौन कौन से टेबल में आता है, तो देखो यहाँ पर. ओके, 10 के लिए आप 10 1 10. ओके, 5 2 10. ओके, फिर और कोई टेबल में नहीं आता ना, तो इसको 1 2 5 और 10. ओके, 1 2 1 2 5 and 10. नेक्स्ट 1 1 1. फिर 20, तो 20 के कौन कौन से टेबल में आता है, 20 को याद करो. 20 2 0 20, तो 20 1 20, 10 2 2 20. फिर आप 5 4 20, 4 5 20, तो 1 2 4 5 10 और 20. तो यहाँ पर लिखना है 1 2 4 5 10 and 20. ओके, फिर 13 की बात है, 1 and 1 3 13. ओके, और यहाँ पर 21, तो 1 3 7 और 21. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये हुए, चलो अभी ये आपने कर दिया. अभी ये चार्ट हम कंप्लीट करेंगे, इससे आपको मल्टीप्लाई और फैक्टर के बारे में, अभी हमने इससे पहले मल्टीप्लाई पढ़ा था, अभी हम फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं. ओके, कंप्लीट द मल्टीप्लाईफिकेशन चार्ट गिवेन हियर. ओके, 1 1 1 1. ओके, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 7 8 9 10 11 और 12. इस तरह से 2 2 1 2 मल्टीप्लाई 1 2
टू मल्टीप्लाई फोर, यहाँ पर सिक्स, टू और फोर एट, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, टू मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेल्व, टू मल्टीप्लाई सेवन फोर्टीन, टू मल्टीप्लाई एट सिक्सटीन, टू मल्टीप्लाई नाइन एटीन, ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर। ओके, इस तरह से थ्री, थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व और थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स एटीन। ओके, देखो बच्चों, ये मैंने टेबल फिल कर दिया है। ओके, ये मल्टीप्लाई करना था। ओके, लाइक देखो, ये टेन मल्टीप्लाई वन टेन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, टेन थ्री ज़ा थर्टीन। ओके, इस तरह से आपको भी ये राइट कर देना है, टेबल ही राइट करना है। ओके, मल्टीप्लाई करके चलो अभी देखते हैं फैक्टर क्या है। मतलब कि देखो, फैक्टर मतलब कि ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब कि फोर मल्टीप्लाई थ्री। ओके, आप करते तो फोर से भी मल्टीप्लाई होता है, थ्री से मल्टीप्लाई होता है, तो बार ट्वेल्व इज ऑल्सो मल्टीप्लाई ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व। देखो यहाँ पर ट्वेल्व की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वन ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। ओके, तो ट्वेल्व की फैक्टर क्या होगी, टू वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व, इसे कहेंगे हम ट्वेल्व के मल्टीप्लाई, सॉरी फैक्टर। ओके, फैक्टर्स। चलो नाउ यहाँ पर व्हाट इज द फैक्टर ऑफ टेन, टेन की फैक्टर क्या होगी, तो टेन की फैक्टर होगी वन टू फाइव एंड टेन। कैसे करेंगे आप, तो टेन वन ज़ा टेन। ओके, यहाँ पर टेन वन ज़ा टेन, टू फाइव ज़ा टेन, मतलब कि वन टू फाइव एंड टेन। ओके, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। अब व्हाट आर द फैक्टर ऑफ थर्टी सिक्स, ओके, 36 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चलो यहाँ पर 36 में राइट करती हूँ, फिर हमें बताएं 36 वनजा 36। ओके, फिर 2 18 32। ओके, फिर 3 3 मल्टीप्लाई 12। ओके, फिर 4 मल्टीप्लाई 9। ओके, समझ में आए, तो 36 की मल्टीप्लाई आप को लिखना है यहाँ पर फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 एंड 12 और लास्ट में 18 और 36। ओके, ये सारे 36 के फैक्टर्स है। ओके, टू फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स 36 फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट, अभी मल्टीप्लीकेशन चार्ट से देखो, यहाँ पर चलिए यहाँ पर अभी इस टेबल में कॉमन फैक्टर की बात करना है। ओके, कॉमन फैक्टर मतलब कि जो 25 के भी फैक्टर हो और 35 के भी फैक्टर हो, ऐसे लिखना है। तो 25 वन जा 25, 35 वन ज़ा 35 और 1, ये दोनों में कॉमन है। ओके, फिर हमें मालूम है 5 7 ज़ा 35। ओके, और मतलब कि यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 5 इन दोनों में कॉमन है 5। ओके, और 7 7 में, चलिए ये हुए कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी बच्चों आप फैक्टर के बारे में समझ गए। ओके, नाउ यहाँ पर 14 एंड 16। ओके, चलो अभी 14 के मल्टीप्लाई लिखना है, 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा, मतलब कि 1 2, यहाँ पर इसके 1 एंड 2, 4 5 10 और 20, ये इसके 8 और यहाँ पर 14
और यहाँ पर 3, 6, 12, 15, 13 और 16 ये हुए इनके दोनों के बीच के कॉमन मल्टीप्लाई। किस तरह से करेंगे आप? चलो देखो 40 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो 14 वन ज़ा 14, फिर आप बोल सकते हैं 22 ज़ा 14, ओके। फिर हम बोल सकते हैं 4 10 ज़ा, ओके। 3 की टेबल में नहीं आते, ओके। फिर 5 8 ज़ा 14, ओके। 7 में, और फिर यहाँ पर 16 16 वन ज़ा 16, 13 2 ज़ा 32 13 32 ज़ा 16, फिर नेक्स्ट 15 4 ज़ा और फिर 23 ज़ा, ओके। चलो यहाँ पर मैंने सारे फैक्टर राइट कर दिए, ओके। तो 14 के फैक्टर देखो यहाँ पर 1 2 4 5 8 10 20 और 14, और 16 के फैक्टर कैसे राइट करेंगे? 1 2 4 3 15 13 और 16, ये दोनों में देखो कॉमन क्या है? 1 है, ओके ओके। फिर 2, ये 4, ओके, और ये 5, ओके। तो इसमें भी है 5, ओके। 12 5 ज़ा, ओके। तो 5 यहाँ पर है गया था, ओके। इसमें भी 5 कॉमन है, ओके। फिर यहाँ पर 10, ओके। 20 20 होगा यहाँ पर कॉमन, ओके। यहाँ पर ये 20, ओके। तो यहाँ पर ये कॉमन लिख दिए हमने, ओके। नाउ नेक्स्ट फैक्टर 3, ओके। अभी हम फैक्टर 3 के बारे में, चलो यहाँ पर फैक्टर 3 देखो। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, ओके। तो 9 2 ज़ा 18, ओके। इस तरह से 18 है यहाँ पर। तो हमें कौन से टेबल में दिया था आपको मालूम है? 3 6 ज़ा 18, ओके। फिर आप 6 की बना सकते हैं 2 3 ज़ा 6, ओके। इस तरह से 24, तो 24 को 3 8 ज़ा 24, फिर 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 2 ज़ा 4, ओके। फिर यहाँ पर 24 और एक टेबल में आता है आपको मालूम है? 4 6 ज़ा 24, फिर यहाँ पर 4 की और फैक्टर बन सकती है 2 2 ज़ा 4, ओके। और 6 की 2 3 ज़ा 6, ओके। नाउ नेक्स्ट इस तरह से 24 12 2 20 2 6 2 and 3, ओके। ट्राई द ड्रॉइंग द फैक्टर 3 यूजिंग द नंबर ऑल्सो। इस तरह से आपको करना है। चलो बच्चों यहाँ पर हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ओके। तो नाउ आप फैक्टर और मल्टीप्लाइज में आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।